हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश की झीलों की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की और जानते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें आती हैं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे मणिमहेश झील की। तो जो मणिमहेश झील है, आपको याद रखना है कि ये 4,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हर वर्ष अगस्त या सितंबर के महीने में यहाँ एक मेला लगता है जो कि एक स्टेट फेयर है। और रक्षाबंधन को यहाँ पर छोटा स्नान तथा राधा अष्टमी को यहाँ पर बड़ा स्नान होता है। और यहाँ पे दो कुंड है, गौरी कुंड और शिव कुंड। जो आपका गौरी कुंड है, यहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं, और जो आपका शिव कुंड है, यहाँ पर आपके पुरुष स्नान करते हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है दैट मणिमहेश लेक लाइज एट फुट ऑफ माउंट कैलाश एंड दिस लेक इज ब्लेस्ड बाय काली एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड शिवा। तो ये मणिमहेश लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं खजियार लेक की। तो जो खजियार लेक है, यह 1,951 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और आपको याद रखना है कि इस लेक के किनारे एक मंदिर स्थित है जो कि खजी नाग को समर्पित है। खजियार के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो खजियार है, इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, मतलब कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और इसे यह नाम 7 जुलाई 1992 को विली पी ब्लेजर के द्वारा दिया गया है। ये दुनिया का 160वां ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। और यह स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से 6,194 किलोमीटर दूर है। तो आपको याद रखना है कि जो खजियार है, इसे हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लामा डल लेक की। तो जो लामा डल लेक है, यह 3,962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह 7 झीलों का समूह है, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। और आपको याद रखना है कि जो लोकल गद्दी ट्राइब है, वो जन्माष्टमी के दिन इस लेक को विजिट करते हैं, यहाँ पर वो आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गड़ासरू लेक की। तो जो गड़ासरू लेक है, ये 3,505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मतलब कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपका 3,505 मीटर है और ये आपके चंबा की चुरा तहसील में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो गड़ासरू लेक है, इसके किनारे काली माता का टेम्पल भी स्थित है। नेक्स्ट है महाकाली लेक। तो जो महाकाली लेक है, ये 3,657 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये देवी काली को समर्पित है। और आपको याद रखना है कि ये चुरा तहसील में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास है चंद्रकूप लेक। तो जो चंद्रकूप लेक है, ये साल भर बर्फ से ढकी रहती है और आपको याद रखना है कि गर्मियों में यानी समर में आपको इस झील के ऊपर आइस फ्लोक्स तैरते हुए नजर आएंगे। तो जो चंद्रकूप झील है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि गर्मियों में इस झील में आपको बर्फ के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चमेरा लेक की। तो जो चमेरा लेक है, ये आपकी एक कृत्रिम झील है, मतलब ये क्या है, मानव निर्मित झील है, मैन मेड लेक है। और इस झील का निर्माण रावी नदी पर चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने की वजह से हुआ है। इनके अलावा यदि हम चंबा डिस्ट्रिक्ट में अन्य लेक्स की बात करें तो बैसाखी लेक, कुंडीमर लेक, महलनाग डल लेक, ये सभी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी गड़ासरू लेक है, खजियार लेक है, लामा डल लेक है, मणिमहेश लेक है, महाकाली लेक, चंद्रकूप लेक, चमेरा लेक, कुंडीमर लेक, ये सभी लेक्स आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे सूरजताल लेक की। जो सूरजताल झील है, यह 4,883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एंड दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ सन। और आपको याद रखना है कि जो सूरजताल लेक है, यह भागा नदी का उद्गम स्थान है, मतलब कि जो आपकी भागा नदी है वो आपके सूरजताल लेक से निकलती है और यह आपके बारालाचा पास के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चंद्रताल झील की। तो जो चंद्रताल झील है, यह 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एंड दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ मून। और आपको याद रखना है कि जो चंद्रताल झील है, ये चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है, मतलब कि जो आपकी चंद्रा नदी है वह आपकी चंद्रताल झील से निकलती है। चंद्रताल झील के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग है, इन्होंने इस झील को लोहित्य सरोवर का नाम दिया है।
तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि इसे लोहित्य सरोवर का नाम किसने दिया है। तो जो चंद्रताल है इसे लोहित्य सरोवर का नाम दिया है चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग ने। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो चंद्रताल झील है ये एक रामसर साइट है। नेक्स्ट हमारे पास है दीपक ताल लेक। तो जो दीपक ताल लेक है ये 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दारचा और बारलाचा के बीच में स्थित है और इस झील को सूरजताल झील का छोटा भाई माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है युनामसो झील। तो जो युनामसो झील है ये आपके लाहौल में स्थित है और यह 4860 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीलकंठ लेक की। तो जो नीलकंठ लेक है यह लाहौल के नैनगहर घाटी में स्थित है और यहाँ पर सिर्फ पुरुषों को ही दर्शन की आज्ञा है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो लेक है ये नीले रंग की है तो इस वजह से इसका नाम नीलकंठ लेक रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है धनकर लेक। तो जो आपकी धनकर लेक है ये आपके स्पीति में स्थित है और जो शिशु लेक है ये भी आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। तो जो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपकी चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक, दीपक ताल, युनामसो लेक, नीलकंठ लेक, धनकर लेक और शिशु लेक स्थित है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे नाको लेक की। जो नाको लेक है यह 3662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह लेक स्केटिंग के लिए काफी फेमस है और इसी के साथ आपको याद रखना है कि यह लेक पद्म संभव जी से भी संबंधित है, रिलेटेड है। नाको लेक के अलावा यदि हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अन्य लेक्स की बात करें तो जो सोरंग लेक है, थेमचो लेक है, थोरेट लेक है, ये सभी आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो आपकी थोरेट लेक है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये भूमतलस धार पर स्थित है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे मंतलाई लेक की। जो मंतलाई लेक है यह 4116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और आपको याद रखना है कि जो मंतलाई लेक है वो आपका पार्वती नदी का उद्गम स्थान है, मतलब कि जो आपकी पार्वती नदी है वो आपके मंतलाई लेक से निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास है दशहर लेक। जो दशहर लेक है इसका एल्टीट्यूड 4200 मीटर है और आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्नान करके अकबर की बेटी का अधर्म ठीक हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछ भी सकते हैं कि वो कौन सी लेक है जहाँ पर अकबर की बेटी का अधर्म ठीक हुआ था। तो जो दशहर लेक है यहाँ पर स्नान करने से अकबर की बेटी का अधर्म ठीक हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है सरयोलसर लेक। तो सरयोलसर लेक के बारे में आपको याद रखना है कि ये 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ जलोरी पास। और आपको याद रखना है कि जो सरयोलसर लेक है ये जलोरी पास के टॉप पर स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास है नैनसर लेक। तो जो नैनसर लेक है इसका एल्टीट्यूड 4000 मीटर है और यह झील बाहरी सिराज में भीम द्वार और श्रीखंड महादेव के बीच में स्थित है। यहाँ पर भीम के द्वारा एक गुफा तैयार की गई थी और आपको याद रखना है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान जो तीर्थ यात्री हैं वो इस लेक में स्नान करते हैं। नेक्स्ट झील है डहनासर झील। तो जो डहनासर झील है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इस झील के पास भगवान शिव ने त्रिशूल से एक डायन का वध किया था। इनके अलावा यदि हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अन्य लेक्स की बात करें तो देवरी लेक और हंसा लेक यह आपके सैंज घाटी में स्थित हैं और जो भृगु लेक है यह आपके भृगु ऋषि से संबंधित है और जो श्रृंग त्युंग लेक है यह श्रृंग ऋषि से संबंधित है और जो सरिताल लेक है यह भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो सरिताल लेक है इसके पास से सरवरी नदी निकलती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट की। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राशर लेक की। जो प्राशर लेक है यह लेक 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है, मतलब कि जो आपकी प्राशर झील है इसके बीच में गोलाकार टापू तैरता रहता है तो इस वजह से इस झील को तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। और प्राशर झील के किनारे ऋषि प्राशर का मंदिर भी है जो कि राजा बाणसेन के द्वारा बनवाया गया था और यह जो मंदिर है ये पगोड़ा शैली का मंदिर है। तो आपको याद रखना है कि जो प्राशर ऋषि का मंदिर है वो पगोड़ा शैली में बना हुआ है और इस मंदिर को बाणसेन के द्वारा बनवाया गया था।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिवालसर लेक की। तो रिवालसर लेक के बारे में आपको याद रखना है कि बहुत लोग इसे पद्माचल भी कहते हैं। जो पद्माचल है इसका अर्थ होता है लोटस पोजेसिंग, मतलब कि जिसने कमल को धारण किया है। और आपको याद रखना है कि यह झील हिंदू, सिख, बौद्ध ये तीनों धर्मों के लिए काफी इम्पोर्टेंट प्लेस है, इम्पोर्टेंट जगह है, तीर्थ स्थान है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो रिवालसर झील है इसे तैरते टापुओं की झील भी कहते हैं, और यह लोमस ऋषि की तपोस्थली भी रही है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ऐसा भी माना जाता है कि इस लेक का पानी भूमि के नीचे से रिवालसर से नागजरा तक प्रवाहित होता है, फ्लो होता है। इसी के साथ रिवालसर के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो रिवालसर है, गुरु गोविंद ने इस जगह को विजिट किया था, तो उनकी इसी विजिट की याद में रिवालसर में गुरुद्वारा भी बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कमरुनाग झील। तो जो कमरुनाग झील है यह 3,150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और आपको याद रखना है कि ये मंडी की चच्योट तहसील में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास है कुंत भयोग झील। जो कुंत भयोग झील है यह 1,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह झील रिवालसर से 4 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी धार पर स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो कुंत भयोग झील है इस लेक का संबंध पांडवों की माता कुंती से है। नेक्स्ट हमारे पास है कालासर लेक। आपको याद रखना है कि जो कालासर लेक है ये रिवालसर टाउन के टॉप पर स्थित है। इसके अलावा यदि हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में अन्य लेक्स की बात करें तो जो सुखसार, लीलासर, डवारूसर, खदलासर, मछियाल ये सभी लेक्स आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट हमारे पास है पंडो लेक। तो जो पंडो लेक है ये भी आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये एक मैन मेड लेक है, मतलब कि मानव निर्मित झील है। जो पंडो झील है यह ब्यास नदी पर बनी हुई है और इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो सतलुज व्यास लिंक है इसके द्वारा सुंदरनगर की बल घाटी को सिंचाई सुविधा दी जाती है। बल घाटी के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि जो बल घाटी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे डल लेक की। जो डल लेक है इसको हम भागसूनाथ लेक के नाम से भी जानते हैं, और यह लेक 1,775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आपको याद रखना है कि इस लेक के किनारे भागसूनाग मंदिर भी स्थित है, बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है करेरी लेक। तो जो करेरी लेक है ये आपके 3,048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये आपके कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास है मछियाल लेक। तो जो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपकी मछियाल लेक भी स्थित है, और झील के पास मच्छिंद्र महादेव और संतोषी माँ का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास है पोंग लेक। तो पोंग लेक के बारे में आपने याद रखना है कि एक मैन मेड लेक है, मतलब कि ये कृत्रिम झील है, और यह लेक ब्यास नदी पर बनी हुई है और इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो पोंग लेक है हम इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, और 1983 में जो पोंग लेक है इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, और 2002 में इस लेक को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसी के साथ इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो पोंग लेक है यह भरतपुर जो कि आपका राजस्थान में है इसको छोड़कर इंडिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां पर रेड नेक क्रीप पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि भरतपुर जो कि राजस्थान में है इस जगह को छोड़कर सिर्फ पोंग लेक ऐसी जगह है जहां पर रेड नेक क्रे पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हम बात करेंगे गोविंद सागर लेक की। जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और इस झील का निर्माण सतलुज नदी पर भाखड़ा डैम बनने की वजह से हुआ है,
और इसकी टोटल लंबाई 88 किलोमीटर है, और इस लेक का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 168 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि जो गोविंद सागर झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, वो कहाँ पर है? वो आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनने की वजह से बनी हुई है, फॉर्म हुई है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रनाहन झील की। जो चंद्रनाहन झील है, यह 4,267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और आपको याद रखना है कि जो पब्बर नदी है वो आपकी चंद्रनाहन झील से निकलती है। इसके अलावा यदि हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में अन्य लेक्स की बात करें, तो जो तानू जुबल, गढ़कुफर लेक, कराली लेक, बड़ा दौनसर लेक, ये सभी आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो आपकी तानू जुबल लेक है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि आपके नारकंडा के पास स्थित है, और जो आपकी कराली लेक है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि आपका छोटा शाली हिल्लौक पर स्थित है, और यह एक डर्टी वाटर लेक है। इसी के साथ कराली लेक के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो कराली लेक है, इसका साइज शिमला के अन्ना डेल ग्राउंड के लगभग बराबर है। मतलब कि जो आपकी कराली लेक है और जो शिमला का अन्ना डेल ग्राउंड है, इन दोनों का साइज लगभग बराबर है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे रेणुका झील की। जो रेणुका झील है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, नेचुरल लेक कौन सी है, तो वो है आपकी रेणुका झील। रेणुका झील के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो लेंथ है वो 2.5 किलोमीटर है, और इसकी जो शेप है वो स्लीपिंग वूमन की तरह है। मतलब कि इसका जो आकार है, मतलब कि ये ऐसे दिखती है कि जैसे कोई सोई हुई स्त्री हो। नेक्स्ट हमारे पास है सुकेती लेक। तो सुकेती लेक के बारे में आपको याद रखना है कि जो सुकेती झील है, यह मारकंडा नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है। तो इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्स थी, वो हमने सारी कर ली हैं। तो अब हम इन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लेक्स पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपकी मणिमहेश लेक, खजियार लेक, लामा डल लेक, गढ़ासुरू लेक, महाकाली लेक, चंद्रकूप झील, चमेरा लेक, बैसाखी लेक, कुंडी मरल लेक, ये सभी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। अब यदि हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक, दीपकताल लेक, युनामसो झील, नीलकंठ झील, धनकर झील और सिसो झील, ये सभी आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। यदि हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाको लेक, सोरंग लेक, थेमचो लेक और थोरेट लेक स्थित हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मंतलाई लेक, दशहर लेक, सरयोलसर लेक, नैनसर लेक, डहनसार झील, देवरी झील, हंसा झील, भिगु झील, सरीताल झील, ये सभी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। यदि हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुमारवा झील, पराशर झील, रिवालसर झील, कमरुनाग झील, कुंतभियोग, कालासर लेक, सुखसार, लीलासर, डवारूसर, खदलासर, मच्छियार, पंडो झील, ये सभी आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में डल झील, पोंग झील, करेरी झील और मच्छियार झील स्थित हैं। यदि हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बात करें, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में गोविंद सागर झील स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट यदि हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में चंद्रनाहन झील, तानो जुब्बल, गढ़कुफर, कराली और बड़ा दौनसर झील स्थित है। और यदि हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो जो सुकेती झील है, रेणुका झील है, ये आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो रेणुका झील है, आपको याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।